पिछले महीने यानी जून 2022 में मारुति सुजुकी की एस प्रेसो की महज 600 के आसपास यूनिट बिकी थी, जिससे ये संभावनाएं जताई जाने लगी थी कि मारुति सुजुकी इस कार को डिसकंटिन्यू करने वाली है या बाजार से बाहर करने वाली है। पर वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अब कंपनी ने इसके अपडेटेड वर्जन को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। तो मारुति सुजुकी ने बताया है कि जो न्यू एस प्रेसो 2022 है उसमें कुछ शानदार और बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे अब इसकी शुरुआती कीमत है वो 4,25,000 रुपये हो चुकी है, जो कि पुरानी एस्प्रेसो से अधिकतम जो है वो 17,000 के लगभग महंगी मिलेगी। हालांकि बेस मॉडल है वो 40,000 रुपये महंगा हुआ है। तो न्यू जो एस्प्रेसो 2022 है उसमें कुल मिला के 4 वेरिएंट आपको मिलेंगे, जो होंगे एसटीडी जो कि बेस मॉडल होगा, इसके अलावा एलएक्सआई, वीएक्सआई और वीएक्सआई प्लस होंगे। कीमत की बात करें तो जो बेस मॉडल एस्प्रेसो का होगा एसटीडी, उसकी एक्स शोरूम प्राइस 4,25,000 रुपये होगी, जो कि ऑन रोड तक आते आते यानी आपको कुल मिला के जो खर्चा करना पड़ेगा वो लगभग 4,80,000 रुपये से 5,00,000 के बीच में होगा। और एस्प्रेसो के जो पुराना बेस मॉडल है उसकी एक्स शोरूम प्राइस आप जानते हैं 3,85,000 रुपये थी, यानी 40,000 रुपये ये अब महंगा हो गया है। इसी प्रकार से जो दूसरा वेरिएंट है वो है LXI, इसकी पहले प्राइस होती थी 4,30,000 रुपये, जो अब बढ़ के हो चुकी है 4,95,000 रुपये, यानी 65,000 ये भी महंगी हो चुकी है। तो अब यदि नई एस्प्रेसो LXI आप खरीदेंगे तो वो ऑन रोड तक आते आते आपको लगभग 5,80,000 रुपये के आसपास में मिलेगी। इसी तरह से सेकंड टॉप मॉडल जो है वो है VXI का, उसकी एक्स शोरूम प्राइस पहले 4,60,000 रुपये थी, जो अब 55,000 रुपये महंगी हो चुकी है और इसकी अब कीमत 5,15,000 रुपये हो चुकी है। ऑन रोड तक आते आते VXI एक्सप्रेसो भी आपको 6,10,000 रुपये के आसपास मिलेगी। वहीं मैनुअल गियर बॉक्स में एस्प्रेसो का जो टॉप मॉडल होगा वो होगा VXI प्लस, और उसकी कीमत पहले 4,78,000 रुपये होती थी, लेकिन अब इसमें 71,000 बढ़ा दी गई है कीमत और ये 5,49,000 रुपये में मिलेगी, जो ऑन रोड प्राइस तक आते आते आपको 6,40,000 रुपये में मिलेगी। इसी तरह से गियर बॉक्स की बात करें तो ये तो थे मैनुअल, लेकिन दो वेरियंट आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में भी मिलेंगे नई एस्प्रेसो 2022 में। VXI ऑटोमेटिक आपको 5,65,000 रुपये में मिलेगा, जो पहले 5,18,000 रुपये में मिलता था, यानी 47,000 महंगा हो चुका है। इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो VXI ऑटोमेटिक आपको लगभग 6,80,000 रुपये तक पड़ जाएगा। इसी तरह से इसका टॉप मॉडल है VXI प्लस ऑटोमेटिक, जो 5,99,000 रुपये यानी 6,00,000 रुपये इसकी शोरूम प्राइस है। जो पुराना VXI प्लस ऑटोमेटिक था उसकी कीमत 5,28,000 रुपये थी, यानी 71,000 बढ़ोतरी की गई है ऑटोमेटिक VXI प्लस में भी, ये अब आपको ऑन रोड प्राइस तक आते आते लगभग 7,00,000 रुपये में पड़ेगा। साथियों, ये जो नई एस्प्रेसो है इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव इंजन में हुआ है, अब आपको इसमें 1.0 लीटर का जो के सीरीज का इंजन है वो मिलेगा। इसमें आइडियल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी दी गई है, साथ ही माइलेज की बात करें तो उसमें भी कुछ इंप्रूव हुआ है। अब आपको माइलेज 24.76 के एमपीएल से 25.30 के एमपीएल तक का माइलेज मिलेगा। बेस मॉडल जो इसका है वो 25 से अधिक का माइलेज आपको देगा। इसके अलावा इसमें हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORVM यानी आउटसाइड रियर व्यू मिरर, और साथ ही साथ स्पीड अलर्ट्स की बात करें, सीट बेल्ट वार्निंग की बात करें, रिवर्स पार्किंग सेंसर की बात करें, तो ऐसे ढेरों फीचर्स हैं वो आपको नई एस्प्रेसो 2022 में मिलेंगे। इसके बारे में जो भी लेटेस्ट खबर होगी वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।